गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज माय सेकंड लेक्चर। इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन एक्सरसाइज पार्ट। आई होप यू हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर। कंप्यूटर आर अमेजिंग लेसन फर्स्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम अब एक्सरसाइज फटाफट कर लेते हैं। एक्सरसाइज ए टू आई तक हमें दिया गया है, तो हम वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ए का पार्ट है थिंक एंड टेल ओरल क्वेश्चन, ठीक है। तो सोचें और बताएं मौखिक प्रश्न है, ठीक है। तो हम इसे चलते हैं। नंबर वन, नेम एनी वन हार्डवेयर पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। हमें एक हार्डवेयर का नाम बताना है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर मौजूद होता है। तो हम लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको बताए थे, तो हम एक यहाँ पे बता रहे हैं हार्डवेयर, हार्ड डिस्क जो सीपीयू के अंदर पाया जाता है। तो जो है ये इमेज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि दैट इज द हार्ड डिस्क। हम इसका नाम लिख देते हैं। नंबर टू, कैन ए हार्डवेयर वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, इफ नो व्हाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू है, तो इसका हम आंसर बहुत सिंपल सा बता दे रहे हैं। नो हार्डवेयर कांट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर बिकॉज इट नीड्स इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी वर्क, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसे निर्देश की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने दर्शा दिया, ठीक है। तो दैट इज कम्प्लीटेड ए पार्ट, ओके। तो हम नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में हम चलते हैं, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, ठीक है। पिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। नंबर वन, वी कैन टच एंड फील, ओके। नंबर वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर थ्री हार्डवेयर। तो क्वेश्चन ये है कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन में है। तो हम थ्योरी पार्ट में आपको बताए थे कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है हार्डवेयर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसको करेक्ट कर दे रहे हैं। हम हार्डवेयर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस जो बचा हुआ है हम यहाँ पे फील कर दे रहे हैं, ओके। तो हम नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रन द सॉफ्टवेयर, नंबर वन मैनेजर, नंबर टू एप्लीकेशन, नंबर थर्ड सिस्टम, ओके। तो हियर इज द राइट आंसर एप्लीकेशन। नाउ आई हैव जस्ट फिल द ब्लैंक स्पेस एप्लीकेशन, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये हमारा यहां तक क्लियर हो गया। हम अब नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ, नंबर वन पेन प्रोग्राम एंड थर्ड इज अ सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हम यहाँ पे प्रोग्राम को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर यूज टू डू सम्स ऑन कंप्यूटर इज, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर पर अगर हमें ऐड करना है तो हमें किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। नंबर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर वन विंडोज कैलकुलेटर एंड नाउ थर्ड इज पेंट। तो हमें सम करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, हम इसे कर देते हैं करेक्ट और हम यहाँ पे कैलकुलेटर लिख देते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा बी पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, दैट आई हैव फिनिश्ड बी पार्ट। अब हमें सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट है नेम द टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमने थ्योरी पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, हम यहाँ पे फटाफट आपको बता दे रहे हैं। नंबर वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। नंबर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देना है। तो हम थ्योरी पार्ट में आपको बताए थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कौन कौन से जो है एग्जांपल होते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं, पेंट, नंबर वन पेंट, नंबर टू वर्ड पैड, नंबर थ्री नाउ एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल। तो ये हमारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, डी पार्ट में हम आते हैं। डी पार्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। देखिए ये हमारा बॉक्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ करेक्ट वर्ड दिए गए हैं, हमें इन्हें ब्लैंक स्थानों पर सही चुनकर फिल करना है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन चलते हैं। नंबर वन, ए कंप्यूटर इज आल्सो टर्न्ड एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो सिस्टम इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर हैज टू मेजर पार्ट। हमने थ्योरी पार्ट में आपको बताया था कि कंप्यूटर दो मेजर पार्ट से मिलकर बनता है, एक होता है हार्डवेयर, सेकंड इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिख दिया, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बीच में ब्लैंक स्पेस है, हेल्प द कंप्यूटर टू वर्क, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो हो जाएगा टुगेदर, हम यहाँ पे टुगेदर फिल कर देंगे, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, ब्लैंक स्पेस है, इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी पार्ट जो है वो फिनिश्ड हुआ। हम ई पार्ट पे चलते हैं। ई में क्या है, बेसिकली टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। कहने का मतलब है हमें सही स्टेटमेंट को टिक करना है और जो इनकरेक्ट होगा उसे हमें क्रॉस करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं। नंबर वन क्वेश्चन है, ए कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो हमने देखिए आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है। तो ये क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है, हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। हम इसे चलिए क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हार्ड डिस्क इज जनरली प्रेजेंट आउटसाइड द कंप्यूटर। देखिए हमने जब थ्योरी में आपको बताया था, थ्योरी पोर्शन में, तो उसमें ये बताया था कि जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर के अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। तो ये गलत है, हम इसे इनकरेक्ट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हार्डवेयर रिफर टू द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हम सही कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, टिक कर देते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए हमने वहां पे आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ये थ्री टाइप का ये इनकरेक्ट है, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, नो डाउट। हम आगे चलते हैं। यह पोर्शन में
यहाँ में देखिए क्या है कि करेक्टली अरेंज द वर्ड गिवन बिलो अंडर द टू कॉलम। यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम है सॉफ्टवेयर का एंड अदर थिंग्स इज हार्डवेयर। तो हमारे पास दो कॉलम है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर का। हमें क्या करना है, जो हमारा ये बॉक्स दिया गया है इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिक्सअप हैं। हमें क्या करना, अरेंज करना, करेक्ट अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉलम। ठीक है, सॉफ्टवेयर के कॉलम में हमें सॉफ्टवेयर रखना है, हार्डवेयर के कॉलम में हमें हार्डवेयर रखना है। तो हम चलिए फटाफट वन बाय वन हम रखते हैं। तो सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर में हमारा क्या हो जाएगा, विंडोज। तो हम यहाँ पे विंडोज ले देते हैं नंबर वन में। नंबर टू में एमएस पेंट, तो हम यहाँ पे एमएस पेंट लिख देते हैं। नंबर थर्ड एमएस ऑफिस, तो हम यहाँ पे एमएस ऑफिस ले देते हैं। नाउ फोर्थ नोट पैड, हम यहाँ पे नोट पैड लिख दे रहे हैं। पांचवा ऑप्शन में हमें विंडो मीडिया प्लेयर, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर और एड कर दे रहे हैं। नाउ लास्ट सिक्स पॉइंट है, यहाँ पे हमें कैलकुलेटर। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर का कॉलम था वो फिल हो चुका है। ठीक है, अब हमें हार्डवेयर के तरफ सब फिल करने होंगे। तो हमें हार्डवेयर में नंबर वन पे हम प्रिंटर रख दे रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकंड इज अ मॉनिटर एंड स्पीकर्स, नाउ माउस, सीडी ड्राइव एंड लास्ट कीबोर्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, करेक्ट को हमने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर रखा, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग हार्डवेयर रखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम नाउ मूव द जी पार्ट, हम अब जी पार्ट में चलते हैं। ठीक है, जी पार्ट क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर वन गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के दो एग्जाम्पल देने हैं। तो हम फटाफट दे लेते हैं, हमें पहले थ्योरी पार्ट में हमें पढ़ाई है। नंबर वन कीबोर्ड, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड लिख दे रहे हैं और उसका देखिए हमने इमेज भी यहाँ पे ड्रा किया हुआ है ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएं, ये कीबोर्ड हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड माउस, तो हम यहाँ माउस लिख दे रहे हैं और इसका हमने भी इमेज रखा है क्योंकि बच्चे जो होते हैं इमेज देखकर आसानी से समझ जाते हैं। ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव टू एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो एग्जांपल देने हैं। तो हम यहाँ पे भी फटाफट लिख दे रहे हैं एमएस ऑफिस। तो नंबर वन एमएस ऑफिस, हमने यहाँ पे भी इसका भी इमेज लगा रखा है जिसे भी जानकारी हो जाए देखने के बाद। नंबर दो विंडोज, हमने विंडोज का यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है तो ये हमारा विंडोज हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज गिव टू एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो उदाहरण देने हैं। तो हम आपको फटाफट यहाँ पे बता दे रहे हैं, नंबर वन पेंट। ठीक है, तो पेंट, हम पेंट टूल भी यहाँ पे हमने इमेज के रूप में लगा रखा है ताकि ये जानकारी हो जाए कि हम जैसे देखते हैं इमेज ये पेंट टूल ही है। ठीक है, नाउ सेकंड इज अ वर्ड पैड, हमने यहाँ वर्ड पैड लिखा और हमने यहाँ पे वर्ड पैड भी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा जी पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं यस पार्ट में। इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर वन है व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, हम इसके बारे में मेरी पोर्शन में आपको बताया था तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए मशीन दैट यू यूज टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सॉरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है,
ये हम इसका भी आंसर यहाँ पे फटाफट लिख दे रहे हैं. दीज आर प्रोग्राम दैट हेल्प यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर. देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे बेसिकली क्या है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं. ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसको हम कंप्यूटर के माध्यम से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं. जैसे सपोज दैट हमें अगर इमेज बनानी है, इमेज ड्रा करनी है, तो हमें पेंट टूल का यूज करना होगा, पेंट का यूज करना होगा. ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन हम कंप्यूटर पे यूज करते हैं. ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिए हम इसमें देखते हैं. राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस हम फटाफट लिख देते हैं. हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर दैट यू कैन सी एंड टच बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यू कॉन्ट सी देम आर टच देम. हमने यहाँ पे बताया, चलिए हम लिख दे रहे हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर दैट यू कैन सी एंड टच. ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, बट लेकिन हमें डिफरेंस बताना है. तो यहाँ पे हमने डिफरेंस कहा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे हम न टच कर सकते हैं न तो हम उसे छू सकते हैं. तो ये हमारा एक्सरसाइज का जो पोर्शन है वो खत्म हुआ. तो थैंक यू वेरी मच. हम यहीं पे अपना वीडियो क्लोज करते हैं. आप इसे अच्छे से पढ़िए और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए. थैंक यू वेरी मच.